जेड फैन ब्यूटी यूमी महेश मति की रानी होने की वजह से ये पंखा लेके बैटलफील्ड में चलती है और बाहुबली की मौत का बदला लेने आई है। एक्वा फोर्स और माउंटेन क्रशर के कॉम्बो के साथ व्यूई बॉर्डर माइट यूज करके अनलिमिटेड फैंस फेंक सकती है। अगर एनिमी इसके हद पे चढ़ जाती है तो ये राइजिंग विंड यूज करके उसे दूर भगा देती है। पैसिव स्किल बॉर्डर माइट, जैसे ही एक्वा फोर्स और माउंटेन क्रशर यूज करती है उसको चांस मिलता है बॉर्डर माइट यूज करने। जैसे ही यूई एक्वा फोर्स यूज करेगी या माउंटेन क्रशर यूज करेगी उसके बाद जो उसको पैसिव दो स्टैक्स कंप्लीट होते हैं बॉरोड माइट का खतरनाक डैमेज बैटलफील्ड पे दिखेगा। स्किल वन एक्वा फोर्स, यूई यहाँ पे दो फैन फेंकती है जो क्लोज रेंज में अटैक होती है और पैसिव एक्टिवेट होने के बाद यूई वही अटैक चार पंखों के साथ कर सकती है पर क्लोज रेंज। नॉर्मल एक्वा फोर्स सेवरल टाइम अटैक करता है बट पैसिव एक्वा फोर्स ज्यादा डैमेज देता है। स्किल टू माउंटेन क्रशर, यूवी इस बार भी दो ही फैन फेंकेगी पर ये लॉन्ग रेंज में डैमेज देने के काम आएंगे। जैसे ही आपका पैसिव एक्टिवेट होगा यूवी इस बार चार फैन फेंकेगी लॉन्ग रेंज में जो ज्यादा डैमेज देगी। माउंटेन क्रशर सेम फर्स्ट स्किल जैसा ज्यादा बार डैमेज देगा बट पैसिव यहाँ पे ज्यादा डैमेज देगा। स्किल थ्री राइजिंग विंड, यूवी अपनी इस पावर से एनिमी को धक्का मार के पीछे भगाती है और सेम टाइम पे थोड़ा सा डैमेज जरूर देगी। यूवी को थोड़ा सा वाइड व्यू मिलता है जब राइजिंग विंड पावर आ जाती है। यूवी एक लॉन्ग रेंज मेज है और पावरफुल डैमेज भी है बट इसको चलाना उतना इजी नहीं है। अगर आप यूवी की स्किल्स को मास्टर कर लेते हैं परफेक्ट आपको जजमेंट आ जाता है तो आप इजीली एनिमी को नॉक डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको एनिमी ने पकड़ लिया है तो नॉर्मली जैसे इसके पैसिव अटैक अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा जहर कतई जहर डैमेज दे सकते हैं। इसके स्किल्स के वजह से मिनियन भी काफ़ी जल्दी क्लियर हो जाते हैं और जब भी आपको गैंग करना है आप एक स्किल कहीं पे यूज़ करके फिर जाए ताकि आप तीन स्किल एट अ टाइम फेंक सको। टीम फाइट में आपको ज़्यादा माउंटेन क्रशर पे ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा और फटाक से दूर आ जाओ, फर्स्ट स्किल यूज करो ताकि आपका पैसिव एक्टिवेट होने में हेल्प हो जाए और परफेक्ट जजमेंट के लिए वेट करो ताकि आप अगेन सेकेंड स्किल से यहाँ पे किल उठा पाओ। फर्स्ट स्किल आप नॉर्मली यूज कर लो उसके बाद आप गैंक में चले जाओ, सेकेंड स्किल दो बार यूज करके फर्स्ट स्किल आप वापस यूज कर सकते हो ताकि ट्रिपल कॉम्बो यहाँ पे आपको देखने को मिले। यूवी की स्किल्स कॉम्प्लिकेटेड जरूर है पर इसकी जो अल्टीमेट है वो हमेशा बचा के रखना ताकि असैसिन्स आने के बाद तुम राइजिंग विंड से खुद को बचा सको।